लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। निचलोल थाना अध्यक्ष बिहागर सिंह यादव ने की मानव तस्करी रोध कार्यक्रम की बैठक। पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति गोरखपुर के तत्वावधान में आज थाना निचलोल में मानव तस्करी रोध कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिहागर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर व प्रार्थना कर किया। बिहागर सिंह ने मानव तस्करी के रोकथाम के उपाय बताए और मानव तस्करी के रोकथाम पर बने कानून की भी चर्चा की, जो निम्न है। जिला और राज्य स्तरीय एंटी ट्रैफिकिंग कमेटियां ऐसे उपाय करेंगी जिनसे अति संवेदनशील लोगों को सुरक्षा मिले और उन्हें तस्करी का शिकार होने से रोका जा सके। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल है: अति संवेदनशील समुदाय के लिए जीविकोपार्जन और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाना, तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं कार्यान्वयन को आसान बनाना और तस्करी के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कानून और व्यवस्था संबंधित फ्रेमवर्क बनाना। जनपद महाराजगंज के निचलोल से धीरज वर्मा की रिपोर्ट।